ये देख सकते हैं आप, ये चार मीनार ट्रैफिक एसीपी से अदबन गुजारिश है, एम्बुलेंस को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये अगर डिवाइडर को जो है अगर बड़ा किया गया तो जो है ये एम्बुलेंस रॉन्ग साइड जा रही है, कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस जो आती है वो एक इमरजेंसी में आती है, उसको जो है किधर से जाना क्या है रास्ता जो है खुला होना चाहिए। लेकिन ये चार मीनार बस स्टैंड के पास से जो है जो रास्ता रोका गया पेडिस्ट्रेशन का, पंचमहल्ला कमान के पास जो है जो डिवाइडर्स है उसको जो है थोड़ा सा जो है अगर एक एम्बुलेंस एक फोर व्हीलर जाने के लिए रास्ता अगर बनाया तो जो है बेहतर होगा, क्योंकि बार बार एम्बुलेंस जो है रात में जो आ रही है यहाँ पर जो है कोई नहीं होने की वजह से उनको वापस पलटा के जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए एक मिनट भी जो है कीमती होता है, वरना जो है पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर एक मिनट बचता है, एक मिनट मिलता है तो पेशेंट की जान बच सकती है। ये हम जो है सीपी अंजनी कुमार साहब से और एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक कमिश्नर साहब से भी जो है अदबन गुजारिश है, हमारी मीडिया से अपील की जा रही है, ये चार मीनार बस स्टैंड के पास जो पंचमहल्ले के पास जो डिवाइडर्स है, और चार मीनार एसीपी ट्रैफिक और डीसीपी साहब से भी जो है हमारी अदबन गुजारिश है कि ये आप जो है ये डिवाइडर्स को जो है कुछ तब्दीली लाइए, इसको जो है एक मायना करिए, क्योंकि एम्बुलेंस जो जा रही है यहाँ पर जो है उसको बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है।